दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी वॉर के बारे में, जिसकी लीडिंग कास्ट में मौजूद थे धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, पुनीत इसर और जैक गार्ड। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर थे TLV प्रसाद और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सरोज चौधरी। तो दोस्तों, ये बात है साल 1999 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। और बात करें इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की, तो वॉर फिल्म दमदार कास्ट की बदौलत एक बेहद ख़ास मास एक्शन फिल्म होने वाली थी, जिसमें धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती का आइकॉनिक पेयर आदित्य पंचोली जैसे अंडररेटेड एक्टर के साथ दिखाई देने वाला था। और इसके अलावा इस कास्ट की एक और खासियत ये भी थी कि मास ऑडियंस की तरफ से इन तीनों ही एक्टर्स की सिग्निफिकेंट एक्सेप्टेंस थी। और मेरे ख्याल से मास बेल्ट पे ये फिल्म बेहद शानदार बिजनेस कर सकती थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह कास्ट कॉम्बिनेशन और खुद डायरेक्टर TLV प्रसाद होने वाले थे। क्योंकि इस बात से तो हम सभी वाकिफ़ हैं के डायरेक्टर TLV प्रसाद मास ऑडियंस की डिमांड को बखूबी जानते थे, और उनकी यूनिक हीरो की प्रेजेंटेशन इस फिल्म को भी सीटी मार एक्सपीरियंस दिलवा सकती थी। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इतने स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर और कास्ट कॉम्बिनेशन के बावजूद भी ये फिल्म अननोन रीजंस की बुनियाद पे अनाउंसमेंट के बाद आगे बढ़ ही नहीं पाई। और ऐसे बॉलीवुड फैंस एक पोटेंशियल एक्शन फिल्म से हमेशा हमेशा के लिए महरूम रह गए। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती की ये वॉर मूवी अगर उस टाइम पे बन के रिलीज़ हो जाती तो बॉक्स ऑफिस पे हिट होती, सुपर हिट होती या फिर ब्लॉकबस्टर? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा।